सभी दोस्तों को हमारा प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 11 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे और आपको आपकी पसंद के फिल्मी नगमे सुनवाएंगे। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें जीवन प्रकाश चमोली साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं, वेलकम अंजुम जी। और आगे आप लिखते हैं कि सभी श्रोता साथियों, आपको प्यार भरा नमस्कार है। उत्तराखंड से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ इमाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारे एक और मुस्तकिल सामिया छोटे भाई हमारे सईद सद्दाम साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आगे आप लिखते हैं कि मर्द की एक बड़ी खामी यह है कि वो मोहब्बत का इजहार बहुत जल्दी कर देता है और ब्लॉक हो जाता है। आगे लिखते हैं आप, वो मेरी किस्मत में नहीं ये सुना है लोगों से, फिर सोचता हूँ किस्मत खुदा लिखता है लोग नहीं। सुनो, मुझे और कुछ नहीं लेना ज़माने के खजानों से, बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम मेरे होके रहो। बहुत खूब मेरे दोस्त, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ताजमहल फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। और हमारे मुस्तकिल सामिया प्रदीप जैन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने नमस्कार लिखा है। और मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने हाथ जोड़ के यहाँ पे एक इमोजी भेजी है, तो आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। जीवन प्रकोष चमोली साहब ने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, मुकेश की आवाज़ में नगमा है, बने रहे प्रोग्राम में। शौकत कसाना साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है और आपने कुमार सानू की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। कोई भी हमारे मुस्तकिल सामिया सेवाराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सैम आहिल साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर अंजुम निसार साहब एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम। प्रदीप जैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। और सेवाराम रत्नानी साहब लिखते हैं, अंजुम निसार जी नमस्कार।
और आर के शुक्ला साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, गुड इवनिंग अंजुम निसार भाई साहब। और इकबाल जावेद हाँ हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। आप मेरे ख्याल में पहली बार प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने कुछ और नाम भी इसमें लिखे हैं कमेंट में, ये हैं जरगर इकबाल, मकसूद हुसैन, तारिक अहमद और मकसूद चौधरी साहब। हीरो लाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, रिस्पेक्टिवली अंजुम निसार भाई जान आदाब। और अनुलता तिवारी जी भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखती हैं, नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नगमा सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है हमारे दोस्त सईद सद्दाम साहब ने। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। छोड़ो तरसाना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो दोस्तों, आपने दो गाने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ताजमहल, जी हाँ, ताजमहल फिल्म से ये नगमा था। और हमारे प्रोग्राम में शम्मा अफरोज़ जी शामिल हुई हैं। आप लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और आगे आप लिखती हैं कि बेजू बावरा फिल्म से आपको नगमा सुनना है। तो आपसे गुजारिश है, बहन बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। रामजी प्रसाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है और खूबसूरत नगमा है ये। आप सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। प्रकाश देशपांडे साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, गुड इवनिंग अंजुम निसार सर, प्रकाश देशपांडे फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। आपका खैर मकदम है दोस्त। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सलाम आदाब अंजुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। और हीरा लाल रॉय साहब हमारे लिखते हैं, वो भी एक नगमा सुनवाने के लिए लिखे हैं। बने रहें प्रोग्राम में, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने नगमा सुनना चाहा है। मीर रिजवान मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। जीवन विश्वकर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नमस्कार लिखा है। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, काजीपुर है, जौहर महमूद इन गोवा इस फिल्म से। बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लखीमपुर खीरी यूपी से आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने सभी दोस्तों को नमस्ते लिखा है। लोन सना साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं,
आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक मुस्तकिल सामिया हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, रफ़ी रहमान साहब, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं बेशुमार यादों के साथ अंजुम निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आगे आप लिखते हैं आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको मुझे लगता है सेटिंग में जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप देखिए, हो सकता है कि आपकी जो सेटिंग है वो चेंज हुई हो। और सईद सद्दाम साहब ने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है। चौधरी आबिदा साहिबा प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब और तमाम सामीन को, वालेकुम अस्सलाम। जोगिंद्र सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप विकासपुरी न्यू दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। जीवन विश्वकर्मा साहब ने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं हरवेश कश्यप साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। प्रदीप वधवा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं सलाम और आदाब निसार अंजुम जी। और हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं उपेंद्र सिंह राजपूत साहब, आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है, ये है अप्रैल फूल फिल्म से नगमा, खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे, ये रही आपकी पसंद। करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा, गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। हाँ
के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं और रात के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम हमारे फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब होते हैं और आप बाद में ये प्रोग्राम हमारी यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं जब आपका मन करे। हमारे प्रोग्राम में फिदा हुसैन तुर्क साहब शामिल हुए हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। परमवीर रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी आदाब लिखा है। और गंगा वंकर साहबा हमारी बहन हमारी मुस्तकिल सामयाबी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, हेलो सर, आदाब अर्ज, नमस्कारम, कैसे मिजाज। मैं बिल्कुल ठीक हूं बहन और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। फयाज कुमार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। आप खान साहब से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं और आप लिखते हैं कि आपने एक नगमा सुनना है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी नगमा सुनवाने की। शाहिद लोन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने हिंदी में कुछ लिखा है तो सॉरी उसके लिए। और अजीत कसाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सभी दोस्तों को नमस्कार लिखा है, आप मुरादाबाद से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सेवाराम रत्नानी साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। चुन्नीलाल ननवानी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं, भाई अंजुम जी, अंजुम निसार जी, प्यार भरे नमस्ते। और खिल्लू परवेज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। चुन्नीलाल ननवानी साहब ने नगमा सुनना चाहा है आमने सामने फिल्म से, ज़रूर आपको सुनवाते हैं दोस्त। और फहीम मंसूरी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे हर रोज़ जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं ऐसे एक दोस्त हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, आप लिखते हैं, हम भी प्रोग्राम में बने हुए हैं जी। अंजुम निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त, और यकीन मानिए आप जैसे लोग जब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारे प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। हरबनस सिंह चबरा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, सलाम सभी को, वालेकुम सलाम। और हरबनस साहब, मेरे ख्याल में आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो हम आपको दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और अब हम नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है और इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है हमारे दोस्त चुन्नी लाल ननवानी साहब ने। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। आजकल हम से रूठे हुए हैं सनम, आजकल हम से रूठे हुए हैं सनम, प्यार में हो रहे हैं सितम पे सितम, लेकिन खुदा की कसम होंगे जिस रोज हम आमने सामने, होंगे जिस रोज हम आमने सामने, सारे शिकवे गिले दूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, नाज की हमने तारीफ की, उनके हर नाज की हमने तारीफ की, शुक्रिया भी न कहने की तकलीफ की, हमने देखा तो पर्दे में वो छुप गए, हमने देखा तो पर्दे में वो छुप गए, क्या पता था वो मगरूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, आजकल
खूबसूरत है वो और मासूम है, खूबसूरत है वो और मासूम है। अब ये बातें कहां उनको मालूम है, जो फसाने फकत अपने होंठों पे है, जो फसाने फकत अपने होंठों पे है। हर गली में ये मशहूर हो जाएंगे, आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम। अपनी निगाहों पे है एतबार, हमको अपनी निगाहों पे है एतबार। एक दिन उनको कर देंगे हम बेकरार, जिस तरह हम मोहब्बत में मजबूर हैं, जिस तरह हम मोहब्बत में मजबूर हैं, इस तरह वो भी मजबूर हो जाएंगे। आजकल हमसे रूठे हुए हैं सनम, प्यार में हो रहे हैं सितम पे सितम, होंगे जिस रोज हम आमने सामने, होंगे जिस रोज हम आमने सामने। मोहम्मद रफी की आवाज आपने सुनी, आमने सामने फिल्म से नगमा था। और दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं, जी हाँ, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। बहुत सारे दोस्त आज भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। अजीत कसाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। रामजी प्रसाद साहब हैं, खिलू परवीज साहब है, चुन्नीलाल ननवानी साहब है, और एस के शुक्ला साहब हैं, रामजी प्रसाद साहब हैं, जीवन विश्वकर्मा साहब हैं, जोगिंदर सिंह बत्रा साहब और तौसीफ लोन साहब, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। शुक्रा नायक साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, पहली बार शामिल हुए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी हमारे प्रोग्राम के साथ बने हैं, हर रोज़ आप भी हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रामपाल कम्बोज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं नमस्कार एवरीवन। और फिरासत हुसैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अंजुम निसार जी, दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। आगे आप लिखते हैं, आपने हमारे सभी दोस्तों के नाम बोले, इस बात की हमें बहुत खुशी है, उसमें हमारे नाम सामने नहीं हुआ, हम तो आपकी आवाज़ के दीवाने हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए हम बहुत खुश नसीब हैं। और आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, कुमार सानू और किशोर, माफ़ कीजिएगा, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और रहा सवाल इस बात का कि आपको हमारी आवाज़ पसंद आती है, यकीन मानिए हमें आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है यकीनन। और आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। फहीम मंसूरी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं जनाब बत्रा जी, आर के शुक्ला जी, वधवा जी एंड मौसम भाई, सभी भाइयों को आदाब व सलाम। तो मेरे दोस्त, हम भी यहाँ हैं, हमारे बाकी सुनने वाले भी हमारे इस प्रोग्राम में हैं, तो आप सिर्फ इन दो तीन दोस्तों को क्यों सलाम लिखते हैं, सभी को सलाम लिखें और हम आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नगमा सुनते हैं, जी हाँ, फिरासत हुसैन साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। मांगते हैं क्या
एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। अच्छी सी फरमाइश करना, सुनने से पहले क्या डरना। मांगो पापा कुछ भी मांगो। मांगो हाँ हाँ, दिल पर रख कर हाथ करो पहले हमसे इकरार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना। ओ मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना। जल्दी से कह दो। कह तो रहा हूँ। अरे जल्दी से कह दो। अरे कह तो रहा हूँ, रात को खिड़की खोल के रखना। हाय राम तुम आओगे? हाँ हाँ हाँ, रात को खिड़की खोल के रखना, दो नैनों से बोल के रखना। आगे बोलो। यही आए मेरे सपने तो ये करना दे इनकार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं। साया मांगू तो क्या होगी? बस रंग रूप का ये सरमाया, मांगू तो क्या होगी? ना ना, कहो तुम्हारी बाहों में मैं रह सकता हूँ। कभी नहीं। क्या इन होठों को मैं अपना कह सकता हूँ? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कि जाने किस दिन टूटेगी दीवार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार, एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना। अच्छा जी, अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार। तो अगले इतवार जी सरकार। अच्छा है त्योहार। बाबुल की गलियां। जी हाँ दोस्तों, आपने इस फिल्म से दो गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। प्रदीप भट्टाचार्य भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खिलू परवेज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं और रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं मैं भी प्रोग्राम में शामिल हूं। यकीनन आप प्रोग्राम में शामिल हैं और इससे पहले भी आपका नाम मैं यहां पर ले चुका हूं। और प्रकाश देशपांडे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। बबलेश पनवार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नगमा सुनना चाहा है। जी हाँ,
हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का नगमा। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा है, ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और निशांत बिश्नोई साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। मनोज जेठवा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। सईद अरशद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, इम्तियाज़ इमाम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। और हमारे दोस्त, जी हाँ, चुन्नीलाल ननवानी साहब ने नगमा, माफ़ कीजिएगा, बबलेश पनवार साहब ने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, और मिस्टर एक्स इन मुंबई इस फिल्म से नगमा है। तो मेरे दोस्त, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और बाकी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी हो।
ले। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अब हम नगमा सुनते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने इसकी फरमाइश की है। हर रोज आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सुधीर नूतन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप मॉडल टाउन करनाल से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आप रहते हैं रेडियो कश्मीर की पूरी टीम को नमस्कार। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूँ कि ये रेडियो कश्मीर नहीं है बल्कि कश्मीर कन्वीनर का फेसबुक पेज है। और शिवराम रत्नानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप छत्तीसगढ़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। हमारी बहन तारा जान प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मोहम्मद चौहान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और सारे दोस्त इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस प्रोग्राम से प्यार करते हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कहते हैं कि जब नाखून बढ़ जाते हैं, जी हाँ, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो क्या किया जाए? गलत फहमियाँ खत्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। शिवराम रत्नानी ने, जी हाँ, नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। उपकार फिल्म से नगमा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश ये भी है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज, जी हाँ हर रोज, रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे कई सारे दोस्त पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, जी हाँ, ये हर रोज प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ये हैं जोगिंदर सिंह बत्रा साहब। आप नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने एक शेर सुनवाने के लिए हमें लिखा है, तो एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। और एक बहन हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में शायद शामिल हुई हैं, आप हैं सोबिया जान। आपने जुर्म फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। आपने सलाम भी लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। एजाज दार साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। और आर के शुक्ला साहब लिखते हैं, आपके प्रोग्राम की खूबसूरती काबिल तारीफ है, बहुत ही दिलकश अंदाज और प्रेम से आप प्रोग्राम पेश करते हैं, आपका हृदय से शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन मानिए आप जिस प्रेम से, जिस प्यार से इस प्रोग्राम को सुनते हैं, यकीनन वो मेरे वाले प्रेम से तो बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारी बहन हैं, इन्होंने इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है। आप पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तो हम आपका खैर मकदम भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मेरी बहन, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। और बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। Thank you.
दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे एक मुस्तकिल सामिया, हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। हर रोज आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब। आप लिखते हैं, आरजे अंजुम निसार साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये प्रोग्राम कश्मीर की हसीन वादियों में बैठकर सुन रहा हूँ। आप लिखते हैं, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, जितनी तारीफ की जाए कम है और प्रोग्राम नशर करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और मेरी इस छोटी सी कोशिश को भी आप सराहते हैं। इस बात के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम के साथ बने रहेंगे। शिव कुमार त्रिवेदी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है और हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। बाकी जितने भी सारे दोस्त हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके आपके बिल्कुल मन के मुताबिक ये प्रोग्राम यहाँ से नशर हो। और इसके लिए हमें बिल्कुल आपकी राय की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी हाँ, सिर्फ एक शख्स, और वो आप खुद हैं। जी हाँ, हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। हम आपकी नज़र ये नगमा पेश करते हैं। और इम्तियाज़ बोरा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और आप भी नगमा सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और परमवीर रावत साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप भी प्रोग्राम नगमा सुनना चाहते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। कोशिश है कि आप सभी की फरमाइश यहाँ से पूरी हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे पास वक्त की कमी होती है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा होता है और इस 1 घंटे में सबकी फरमाइश पूरी करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। मीर मंजूर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हैं जी हाँ, आप भी हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आगे आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। आप लिखते हैं कि आप निहालपुरा पट्टन से हमारे साथ जुड़ते हैं। आप लिखते हैं, गुजर जाएगा ये दौर भी, गालिब ज़रा इत्मीनान तो रख, जब खुशी न ठहर सकी तो गम की क्या औकात। बहुत खूबसूरत शेर आपने लिखा है मेरे दोस्त। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:54 और 40 सेकेंड हुए हैं। तो अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब ख़त्म होने को है। हम एक खूबसूरत से नगमे के साथ आपको छोड़ रहे हैं। कल हेलो फरमाइश का दूसरा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने के पान। खुशियों का पल आएगा।
अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। कांटों का मिला कभी ना, हाँ जिसे दर्द कांटों